unites.com redefining Bollywood. जी चिंता नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत दिए हैं इसे, तो मैं ऐसे रहूँगा इसे. बोलूँ? एक्चुअली मुझे इसके पहले पता ही नहीं था कि ग्लोब ऑयल नाम की कोई ऐसे अवार्ड है जिसमें एडिबल ऑयल्स को अवार्ड दिए जाते हैं. मुझे बहुत खुशी हुई और ऑफकोर्स मैं हर बात हर इंसान को पता हो जरूरी नहीं है, तो मैं इस बात से अनजाना था और इसी वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को हम अवार्ड दे रहे थे. हर फील्ड के अपने अपने अमिताभ बच्चन होते हैं, है ना, रफ़ी साहब होते हैं, लता जी होते हैं, वैसे ही इस फील्ड के जो सेलिब्रिटीज़ थे आज मैं उनसे मिला और उनको अवार्ड हमने दिया. खुशी हुई मुझे. एक रैंप पर चलकर कैसा लग रहा है, एक सिंगर होके रैंप पर चलना? क्यों सिंगर होके रैंप पर चलना नहीं सकते? नहीं नहीं, मैं पहले भी चल चुका रैंप में, ये मेरा चौथी बार आई थिंक रैंप में चलना. एंड क्योंकि हम लोग स्टेज के बहुत अभ्यस्त हैं इसलिए कोई इतना बड़ा चेंज नहीं लगता मुझे. एक चीज और भी मैंने देखी, जब भी माइक आता है तो वो गाने की एक होती है कि दो तीन गाने, मतलब लोगों की जो पब्लिक डिमांड आ रही थी. पहले अच्छा सवाल पूछो, पहले क्या होता था कि मैं सोचता था कि नहीं गाऊं, नहीं अभी म्यूजिक नहीं है तो नहीं. फिर मुझे लगा कि ये कैसा आर्ट है, इतना प्यारा आर्ट है कि इसको बिना म्यूजिक के भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो और लोगों को अच्छा लगता है तो लोगों को खुश. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.